वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर दिया था और चैप्टर नंबर 5 में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि आयता के बारे में पढ़ा था, उसके बाद कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ा था। अब देखिए अगला पॉइंट है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको बोलते हैं सामान्य संख्या का मापांक। आपके मॉडुलस तो उसमें पढ़ा होगा, मैग्नीट्यूड पढ़ा होगा वेक्टर में, जब आपके बेसिक फिजिक्स की क्लास में भी, तो वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर पढ़ा होगा। आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के के कोफिशिएंट का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ऐसे। यहां देखिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z, z इक्वल टू a प्लस i का, देखिए a है रियल पार्ट, b है इमेजिनरी पार्ट, इसका मॉडुलस ऑफ z, यानी क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ z, इसको लिखेंगे z का मापांक, z का मापांक, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ z, इसको क्या बोलते हैं, मॉड, क्या बोलते हैं, मॉड, इसका मॉड z का, हिंदी में क्या बोलेंगे, z का मापांक, इज इक्वल मॉडुलस ऑफ z, किसका मॉडुलस कर रहे हैं, z का, z क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉडुलस ऑफ z का मतलब z का मॉडुलस, यानी z क्या है, कॉम्प्लेक्स z का मापांक, यानी कि सामान्य संख्या का मापांक। बात समझ आ रही है, क्या फॉर्मूला होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसके क्या लगा दो रूट। एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके पास z इक्वल टू आ गया 3 प्लस 4 आएगा, मॉड ऑफ z कितना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये बात को समझ रहे हो, अरे एक ही जगह क्या आ गया 3, एक ही जगह क्या आ गया 4, बताओ आपके कितना आएगा 5, कैसे ऐसा क्या आएगा, 9 को 16 25 करूं 5, खत्म कर दूं। अगला एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे आ गया z इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का 4 आएगा, बताइए मॉड ऑफ z क्या होगा, माइनस 3 का स्क्वायर एंड माइनस 4 का स्क्वायर, ये बात को समझ लो, कितना आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 9 को 16 25 करो 5, पर इतने चीजे मत लिखो, मैट सुन लिया तो यहाँ पे कितना रहेगा, मॉड ऑफ z कितना रहेगा 25 करो 5, वैसे लिख दो तो भी गलत नहीं होगा, मॉड ऑफ z कितना रहेगा यहाँ से, तो पहले देखो 9 प्लस 16 कितना आ गया 5। जैसे मान लीजिए आपके पास अगला एग्जांपल है z इक्वल टू 1 प्लस i का, z इक्वल टू 1 प्लस i का, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई 1 और b की वैल्यू बोलो अरे आएगी कि नहीं आएगी, यानी कि यहाँ बात करें आपका z क्या होता है, a प्लस i का भी होता है, हम से पहले तो यहाँ पे बताइए a की वैल्यू कितनी होगी 1 और b की वैल्यू कितनी होगी वो भी 1 होगी, क्योंकि i के साथ कुछ भी नहीं है, आइटा के साथ कुछ भी उसको 1 मान सकते हैं, अरे बोलो आइटा को 1 से मल्टीप्लाई तो वापस आइटा आ जाएगा, यानी कि डिविजिबिलिटी कितनी हो गई 1 हो गई, तो यहां से अपने पास मॉड ऑफ z आएगा वो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये बात को समझ लो। अरे राहुल चौधरी समझ में आ गया क्या, दासू वाला समझ में आ गया। अब देखो अगला एग्जांपल है z इक्वल टू 4 आएगा, इसका मॉडुलस बताओ, सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या मॉडुलस होगा, क्या इसका मापांक होगा। चेक करो सब, फोर आएगा, कितना आएगा 4, तो कैसे आएगा बताएं, देखिए आपको पता है z इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 प्लस, क्या 4 ऐड कर सकता हूं, चेक करो सी लिखा है 0 में कुछ भी ऐड करो तो हो जाएगा वापस, बताइए कंपेयर करेंगे इसको a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ये बात को समझ रहे हो, यहां पे अगर बात करूं मैं
आपके पास z इक्वल टू क्या होता है, z इक्वल टू क्या होता है, a प्लस आइटा भी, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0 एंड b की वैल्यू 4। आप सॉल्व कर लोगे व्हाट ऑफ z कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का रूट कितना होगा 4। खत्म कर, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं एग्जांपल। अगला एग्जांपल है वो क्या है बच्चों, z इक्वल टू 2 बने मॉड क्या होगा, होगा कैसे होगा, z इक्वल टू 2 प्लस 0 आटा लिख सकता उसको, ये बात को समझ लो, बताइए ये की वैल्यू क्या होगी, आपका क्या हो गया है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अपन आगे चलते हैं। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ चलो आगे स्टार्ट करते हैं, देखिए अगला पॉइंट है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर या एडिशन ऑफ टू या टू से ज्यादा भी हो सकता है, बात ही नहीं, क्या बोलेंगे इसको, दो सभी से संख्याओं का योग, अब देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास z1 है, दो आ गए, z1 पहली कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर z2, अगर मान लीजिए आपके पास ये a प्लस आइटा b और ये मान लीजिए c प्लस आइटा d, आप दोनों को ऐड करोगे, ये सुनो एडिशन का मतलब ऐड करना है, जब ऐड करेंगे कितना आएगा, z1 प्लस z2 होगा, ये होगी तो कर रहे हैं क्या होगा, that one plus that two क्या होगा, a plus iota b plus c plus iota d, real part to real part के साथ add करेंगे, imaginary part to imaginary part के साथ add करेंगे, means ये real part ये भी real part, real part जानते सब लोग, क्या हो जाएगा a plus c, इन दोनों में iota common आ रहा है, b plus b तो ये तो हो गया real part, ये क्या हो गया imaginary part, किसका हिंदी में क्या बोलेंगे, सम्मिश्र संख्याओं की योग की गुणधर्म, अब ये क्या होते हैं सर, आप
दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हो क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या गुणधर्म होते हैं? देखिए पहला होता है नंबर है कॉम्पिटिटिविटी। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं क्रम विनिमेयता। देखिए इसमें क्या होता है क्रम विनिमेय कॉम्पिटिटिविटी, इसका होगा जेड वन प्लस जेड टू, और आपने दो ऐड किया इसको उल्टा भी ऐड कर सकते हो। बात हो गई, अरे तीन में चार जोड़ो तो चार में तीन जोड़ पाते हो कुछ, अरे बोलो देखो मजाक करता है, अरे इसको पहले लिखो सही बात है, बात ही कुछ कौन सा होता है। आप देखिए अगली होती है एसोसिएटिव, ठीक है? ये क्या होता है? साचर्यता। नाम थोड़े अलग है लेकिन देखिए क्या मतलब होता है इसका। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए मान लीजिए और मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, पहले मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, मेरी बात को समझ लो, इन दोनों को ऐड करके इसके साथ ऐड कर दिया, ये क्या बोलेगा? क्या वैसे नहीं कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते आप, इसको ये प्रॉपर्टी बोलते हैं एसोसिएटिव। नंबर तीसरा है हाँ नंबर तीसरा है एडिटिव, एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में क्या बोलते हैं तत्मा, हिंदी में बोलते हैं तत्मा, हिंदी में बोलते हैं इसको तत्मा और योज्य तत्मा। ठीक है कट रहा है क्या इधर एक ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। यहाँ देखिए अगर यहाँ बात करें क्या हो जाएगा, डेट वन प्लस डेट टू साथ में प्लस का डेट, ठीक है हमने बता, और इसको बोलते हैं योज्य तत्मा। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप जेड में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करो, देखा जेड में कौन सा नंबर ऐड करो कॉम्प्लेक्स नंबर की वापस जेड ही आ जाए, अरे जेड, और देखिए अगर z में मैं जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करता हूं z ही आएगा, और ऐसा में जीरो प्लस z भी जीरो हो सकता है, ये कट गया यार। z में क्या ऐड करूं कि z आ जाए, z में क्या ऐड करूं कि आ जाए, z में क्या ऐड कर रहा हूं जीरो, इसको क्या बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि क्या ऐड करूं कि कोई फर्क ना पड़े, क्या ऐड टू भी कोई फर्क है ना पड़े, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है प्रॉपर्टीज, उतनी काम नहीं है लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या मतलब होता है। एक होता है एडिटिव इनवर्स, नंबर फोर है एडिटिव इनवर्स, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, योज्य प्रतिलोम।
तो प्रतिलोम बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, इधर देखो जेड में अगर मैंने माइनस जेड ऐड किया, जेड में अगर मैंने माइनस जेड ऐड किया तो क्या है, जीरो आ रहा है। ऐसा तो था माइनस जेड में अगर मैं जेड ऐड तो भी दिखा सकता है। तो आपके पास अगर मान लीजिए आपसे पूछे एडिटिव, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। चलें। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा वो देखिए, इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा वो एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा वो अब वो बनेगा कि अगर मान लीजिए आपको एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड पूछता है, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड इसको बोलते हैं, जेड का योज्य प्रतिलोम क्या बोलेंगे, जेड का योज्य प्रतिलोम ठीक है, उसकी वैल्यू होती है माइनस जेड। जेड का जो एडिटिव इनवर्स होता है क्या होता है, माइनस जेड। जेड का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस जेड, यानी कि जेड का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, माइनस जेड। जेड का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, माइनस जेड। जेड का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जीरो। जेड का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जीरो। जेड का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो। जेड का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो। तो इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड क्या होता है, माइनस जेड। अगर मान लीजिए आपके पास एग्जांपल के हिसाब से आ गया जेड इक्वल टू 3 प्लस 4 आएगा, तो बताइए एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का जेड होगा नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम। बताओ क्या आ जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 4 आएगा, ये कौन सा होगा, बात समझ में आ गई। सिंपल क्या कर देंगे, जेड का माइनस है ठीक है। अब देखिए अपन मल्टीप्लिकेशन की बात, इसकी बात करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। अपनी अगली हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन ऑफ, क्या हो गया, कैंसिलेशन हो, हाँ उधर काम कर रहे हैं ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर या मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू बोल सकते हो, टू कॉम्प्लेक्स नंबर अब देखिए यहां पे अगर मान लीजिए आपके पास जेड वन है, जेड वन आगे मान लो आपके पास जेड वन की वैल्यू आगे मान लो a प्लस आइटा b, ये बात को समझ लो। z2 आ गया मान लो c प्लस आइटा d, अब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, z1 into z2 a प्लस आइटा b c प्लस आइटा d, ये इसको जीरो लिख दो क्या, इसको लिख देता हूँ मैं, हिंदी में लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, दो संयुक्त संख्याओं का गुणन, लो तो इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए कि एसी से मल्टीप्लाई होगा क्यों होगा, ये होगा ना, एसी से मल्टीप्लाई एसी आएगा। अब एक इससे मल्टीप्लाई हुआ आयता, आयता बी आएगा, अब ये इससे मल्टीप्लाई आयता बी सी आएगा। अब आपको पता है आयता, आयता क्या हो जाएगा, आयता स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रियल पार्ट की बात करते हैं, एक तो ए सी आएगा, रियल पार्ट रियल आएगा नहीं आएगा, आयता स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है,
माइनस वन, ये भी रियल पार्ट हो जाएगा क्या? यानी कि जेड वन जेड टू क्या आ जाएगा यहाँ से, जेड वन जेड टू वो हो जाएगा आपका ए सी, ए सी और आईटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या इसको डिग्री लिखो, मेरी बात को समझ रहे हो यार, माइनस वन होगा ना ये, अभी दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आईटा कॉमन आ रहा है, आईटा क्या हो जाएगा BC plus या AD plus BC बात हो गई है, AD plus BC यानी कि ये तो हो गया रियल पार्ट, ये क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब इसकी भी क्या होती है प्रॉपर्टीज होती है, वही वैसी प्रॉपर्टीज होती है, क्या बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, अगला पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलो एक बार इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, आप देखिए अगला पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ इंग्लिश है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, सैंडविचर संख्याओं के गुणन के गुणधर्म, सैमेशन संख्याओं के गुणन के गुणधर्म होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो यहां से क्या क्या होते हैं, पहला वही कौन सी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं इसको, कर्म विलेयता, Z1 into Z2 तो क्या हो जाएगा, Z2 into Z2 into Z1 होगा कि नहीं होगा, अरे वही तो होगा, यानी कि ऑर्डर चेंज कर देंगे इनका, इसका इसको यहाँ इसको यहाँ, यानी Z2 into Z1 नंबर दूसरी, अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, साहचर्यता, क्या बोलते हैं साहचर्यता, एक सेकंड रुकना रे, मार्कर में पेट्रोल डाल लेते हैं, ये लो इसको बोलते हैं साथ चाहिए था, नाम ही है इसका, नाम है नहीं, नाम ही है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जेड वन
z2 को z3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा भी तो कर सकते हैं z1 * z2 साथ में z3 हो जाएगा। अरे वहां पे प्लस लगाने के बीच में यहां पे क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं ना। अब जो अगली प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको बोलते हैं बंटनता। अब ये क्या होती है, इसे मान लो आपके पास z1 को कॉम्प्लेक्स नंबर है और z2 प्लस क्या हो गया z3, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आएगा z1 * z2, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आएगा z1 * z2। ये बात को समझ गए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, तो इसके साथ और नंबर 4 आइडेंटिटी, वहां पे क्या था एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे क्या हुआ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गुणनात्मक है ना, क्या हो जाएगा गुणनात्मक। अब कोई बताएगा मेरे को वहां पे प्रॉपर्टी, वहां पे क्या करते हैं जेड में क्या ऐड करते हैं, आप जीरो ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता था जेड और जेड में क्या ऐड करते हैं आप जीरो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें जेड में क्या मल्टीप्लाई करके जेड आ जाए और जेड में क्या मल्टीप्लाई करके बना रहे तो जेड आ जाए। यहां पे जेड को अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जेड आएगा, वहां पे जेड में क्या ऐड कर रहे थे जीरो ऐड कर रहे थे, वापस वही आ रहा था ना कि जेड में क्या ऐड करूं कि वापस वही आ जाए, वहां जीरो ऐड कर रहा है, यहां पे वन क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जेड को 1 से मल्टीप्लाई करो जेड आएगा, तो इधर भी जेड को 1 से मल्टीप्लाई क्या आएगा जेड को आएगा, अरे जेड में क्या मल्टीप्लाई करूं कि जेड आ जाए, जेड में क्या मल्टीप्लाई करूं कि जेड आ जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो खत्म कहानी। लास्ट है इसकी इनवर्स वाली, कौन सी वाली इनवर्स, इसको क्या बोलते हैं प्रतिलोम, प्रतिलोम 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 ओके। अब इसमें क्या होता है बताइए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है और अगर मान लीजिए आपने z इनवर्स से या 1/z, कहने का मतलब यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं अगर मैं z है और इसको मैं 1/z से मैं अगर मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा, बनाए उल्टा भी तो हो सकता है 1/z के z इक्वल टू 1 हो जाएगा, मेरी बात को समझ लो, यानी कि ऐसा भी हो सकता है 1/z टू z। सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा, कट गया यार, जेड इनटू 1/z इक्वल टू 1, यहां पे क्या होगा, यहां पे 1/z इनटू z, देखिए सही बोला है या थोड़ी बोला है, स्क्रीन को लो क्वेश्चन कैसे आता है वो बताओ, चले अरे चले क्या, हेलो अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी कैसे आएगा, तो एक ही क्वेश्चन आएगा, अब कौन सा है क्वेश्चन, ये आएगा मान लीजिए आपके पास z इक्वल टू दिया हुआ है 3+4 आएगा, और आपको ऐसे पूछा है फाइंड यानी कि मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है,
इनवर्स आईएनटी तो इनवर्स फाइंड आउट की यानी कि गुणन पाटिलोम इसका क्या कीजिए फाइंड आउट कीजिए हमारे में कैसे बताओगे डैड काम को टीम में कराया था इसका माइटी नेगेटिव आईएनटी क्या होता इनवर्स वेरिएबल क्या होगा मैंने बहुत ज्यादा बात की क्या बोलते जो छह पट्टी लो ये मेरी बात को समझ रहे हो तो यहां पे जेड की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा डी प्लस लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई नीचे कभी भी क्या नहीं हो रहा क्या बट है रेस्ट वाले यहां पे क्या करेंगे डी प्लस हो रहा है डी माइनस हो रहा है डी माइनस हो रहा है मेरी बात को समझ रहे हो नीचे कभी भी क्या नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना यहाँ पे a plus b a minus b a square minus b square अब ये तो कैसा कैसा आएगा अब ये ना कैसे करेंगे इसको b का square 9 b का square 9 और i का square क्या होता है minus minus plus plus का whole का square 16 क्या आएगा क्या आएगा तो यहां से अगर मैं डैड की वैल्यू बोलूंगा इनवर्स की बात को मैग्नीट्यूड की बात क्या आएगा बताओ कि यहां से ये वैल्यू आ जाएगी इसके बाद क्या हो जाएगा 3 - 2 आएगा और 25 आएगा क्या है अब देखो अलग अलग डिवाइड कर दो d अपॉन 25 माइनस 4 आएगा अपॉन 25 ये इसका क्या है आंसर सर ये आंसर क्यों हुआ इसका रियल पार्ट बता सकते हो d अपॉन 25 इसका रियल पार्ट बता सकते हो मोर एंड मोर परफेक्ट क्या आप लोग इसका रियल पार्ट बता सकते थे नहीं सेपरेट नहीं कर सकते जो रियल पार्ट का मतलब आयता के साथ जो नहीं आता है सिंपल फॉर वो भी रियल पार्ट तो बाकी जो बच गया वो इमेजिनरी पार्ट तो यहां पे देखो नीचे आयता आ रहा है इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्या किया पड़े रेस्ट रेजिस्टेंस मेरी बात को समझ रहे हो यहां पे अपन ने सेपरेट कर दिया कि ये रियल पार्ट आ गया नीचे आ गया इमेजिनरी पार्ट मेरी बात समझ में आ गई बहुत बढ़िया तरीके से एक बार यस और नो में कमेंट करो ओके अब देखिए आपकी एक्सरसाइज में आपकी फाइव पॉइंट एक्सरसाइज के जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने वो सारे करवा दिए एक बार आपने बुक को आप ओपन करेंगे ठीक है बुक को ओपन करेंगे 5.1 एक्सरसाइज निकालेंगे मैं आज क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन अपन कैसे कैसे कर सकते हैं तो पहला क्वेश्चन एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन द एक्सप्रेस 1 टू 10 इन द फॉर्म a plus i plus अच्छा एक से दस तक क्वेश्चनों में आपको क्या करना है ऐसी फॉर्म बतानी कि ये अलग होना चाहिए और भी अलग होना चाहिए मेरी बात को समझ लीजिए जैसे पहला क्वेश्चन आ गया अगर अपन बात करें 5.1 एक्सरसाइज का 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं करें बात क्या है 5 पाई का और साथ में क्या है माइनस का 3 और 5 पाई का मेरी बात को समझ लीजिए 5 से 5 चला जाएगा 8 आएगा 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस और करने पे वैल्यू भी नहीं आएगी पहले सुनो इसको लैग कर दिया करो एक सेकंड ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट लैग कर देते लैग का मतलब माना 5 * माइनस का 5 को किया था अच्छा दिया को ऑन 5 आएगा और ये क्या है आपका 5 आएगा ठीक है अब यहाँ से कितना टाइम बचा अपने पास एक मिनट भी नहीं बची फाइव से फाइव चला जाएगा आइटा 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 स्क्वायर माइनस थ्री आइटा स्क्वायर आएगा तो कितना थ्री हो जाएगा क्या आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस वन कितना हो जाएगा जेड इक्वल टू थ्री प्लस आइटा की वैल्यू तो सभी चित्रों में ऐसी फॉर्म लिखी है सारे क्वेश्चन कर सकते हैं वैसे बेस्ट के सारे 10 पार्ट सारे कर सकते हो आप लोग बेस्ट के 10 तो आप ट्राई करना बेस्ट के 10 वैसे आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो आप मैंने जो बताया ठीक है हां थैंक यू सो मच बाकी का कल पढ़ेंगे इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स डन
डन है, ठीक है, थैंक यू सो मच।